अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्लाह ताला के नाम से आज की वीडियो का, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोस जो हैं नहीं आ रही, उसकी रीज़न जैसे आप लोगों को अंदाज़ा होगा पिछले व्लॉग्स के साथ, कि मेरे अपनी कंपनी के साथ कुछ मसले मसाइल चल पड़े थे जिसकी वजह से मुझे रिज़ाइन देना पड़ा। ठीक है, बिकॉज़ मैंने अपनी तरफ से पूरा हार्ड वर्किंग किया, पूरा जितना मैं अपने आप को डेवलप कर सकता था, जितना मेरे अपने कॉम्पिटेंसी थी, मैं जितना आउटपुट दे सकता था अपनी कंपनी को मैंने दिया, कि मैं कल्चर पॉजिटिव कर सकूं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकूं। अनफॉर्चुनेटली जब मैंने फ़ील किया कि मैं अभी मज़ीद नहीं कर सकता, या मतलब पॉसिबल नहीं है, एंड दिस इज़ नॉट अ राइट प्लेस फॉर मी टू पुट माई इनपुट हेयर, सो दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन। And because I have my family members are with me now, Alhamdulillah. So as how they are suggested me, so that's why I'm doing accordingly. So let's move on to the topic. टॉपिक की तरफ चलते हैं। कुछ मजबूरी ये बन गई कि अभी भी आप लोगों को फील हो रहा है मेरी ये जगह थोड़ी स्वेल है, मुझे मेरी जो है दाढ़ है इसमें बहुत ज़्यादा पेन और इसमें पस पड़ गई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरा हूँ। एंड बहरहाल इंशाल्लाह मुश्किलात और मुश्किलें जो हैं अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती हैं, और हमें इनका डट के मुकाबला करना चाहिए। मेरी ईद जो है वो भी अकेले की गुजरी, काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने फ़ेस की हैं। तो अभी हम टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जी हमारे जो कमेंट्स जो आप लोग करते हैं मैं उनका रिप्लाई करूँ, बिकॉज जो मेरी कंपनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं या जो भी व्लॉग्स हैं, क्या क्या चीज़ें फ़ेस की हैं, आप लोगों को वो फ़ेस करनी पड़े, आप कैसे उनके लिए बेटर डील करें, शायद मैंने कई मिस्टेक्स की हूँ, आप उनसे अवॉइड कर लें, कंपनी के साथ कैसे चलना है, बाज़ कंपनीज आपको तंग भी करती हैं, उनके साथ कैसे चलना है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को मेरे जो मैंने रिकॉर्ड करके सेशंस रखे हुए हैं वो मैं लेटर ऑन उनको करूँगा, लगाऊंगा यूट्यूब पे, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अभी मूव ऑन करते हैं हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ, जो आप लोगों के कमेंट्स हैं। फर्स्ट कमेंट है हमारा जी अब्दुल रहमान, कमेंटेड योर वीडियोज़ आर सो इन्फॉर्मेटिव, जस्ट ट्राई टू टॉक टू द पॉइंट एंड यूज़ ट्राईपॉड फॉर स्टेबल वीडियो। भाई अभी तो यार 2-3 महीने हो गए मुझे सैलरी वगैरह नहीं मिली है, एंड मैं हर बार कोशिश करता हूँ, ये इस कंपनी में मेरी जो सैलरी पैकेज था वो बहुत ज़्यादा कम था, एंड मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं अपने सैलरी हर चीज़ आपको रिवील कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब मेरे पास अभी बजट नहीं था, तो इंशाल्लाह मैं ये आपके दिमाग में रखूंगा, इंशाल्लाह इसको पूरा करें। मिस्टर मास्क कमेंटेड, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू, आई वांट टू गिव इंटरव्यू, आई एम नबो शोल्डर। आप यार अप्लाई करें, पाकिस्तान में काफ़ी सारी एजेंसीज हैं, लिंक्डइन का अकाउंट बनाएं, बार बार यही बोलता हूँ, लिंक्डइन का अकाउंट बनाएं, एंड नौकरी गल्फ का बनाएं, आप लोग तक खुद अप्रोच करेंगे जो है एम्प्लॉयर्स हैं, तो ये चीज़ें हैं। देन है दनीन कियानी कमेंटेड, ब्रदर आप न्यू यूट्यूब बनाओ और कॉन्टेंट चेंज करो अपना, आपके व्यूज़ और फॉलोअर्स नहीं आ रहे, वैसे अकाउंट फ्रीज़ है। नहीं यार, मेरा अकाउंट फ्रीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अब इस पर तो इनकम भी स्टार्ट होगी। मैं जो है नेक्स्ट मेरा प्लानिंग है कि मैं इस पर बताऊँ कि मुझे अभी कितनी अर्निंग हो रही है, लेकिन अभी मैंने फर्स्ट पेमेंट भी नहीं उठाई, उसका जो पिन कोड आना है ना मैं उसके जस्ट वेट में हूँ, तो उसमें मेरे से एक मिस्टेक हुई है, तो वो हो जाएगा। रिस्पेक्टेड शॉर्ट्स कमेंटेड, अगर इंटरव्यू का। देन है शहजाद खान कमेंटेड, सलाम सर, आई एम इन सऊदी अरेबिया, आई हैव डन निबोश, कैन आई गेट अ जॉब। ओनली निबोश बेस पे यार मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, मेरी वीडियोस गौर से देखते या तो नहीं है या क्या है, अगर आप वो देखें आप लोगों को आइडिया हो जाए, ओनली निबोश बेस पे आप जॉब आप लोगों के लिए काफ़ी टफ है। अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने मेरे पास निबोश था, फिर मैंने आयोश किया, ओशा किया, ठीक है, ISO 45001 किया, फर्स्ट एड का किया, फायर फाइटिंग का किया, फायर सेफ्टी का किया, देन मैंने इसका है सेफ्टी इंजीनियर का मैंने 3 साल का डिप्लोमा लिया है, ठीक है, उसको मोफा से अप्रूव करवाया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं तब जाके आप कहते हैं। अभी सेफ्टी की फील वैसे नहीं है कि आप एक आधा सर्टिफिकेट करके आप कहें कि आपको जॉब मिल जाए, लक बाई चांस हो सकता है, रेफरेंस बेस पर जॉब हो सकती है, लेकिन यह है कि आप अकेले निबोश की बेस पर जॉब नहीं ले सकते, निबोश अपनी वैल्यू काफ़ी खो चुका है। ठीक है, ये सेम नेम सर्टिफिकेट वगैरह जो चल रहे हैं, देन ये है कि एक तो है सेम नेम, एक है जी आपका एग्ज़ाम कोई और दे रहा होता है, ये सारी चीज़ें, तो निबोश अपनी वैल्यू जो है गवा चुका है, तो निबोश, आयोश, ओशा, इसके साथ आप और बड़ी चीज़ें करें, ISO आप इसके साथ करें, बिकॉज कंपनीज को देखना चाहिए, पता लगना चाहिए कि हाँ हाँ ये बंदे के पास कुछ है, इसकी बेस पे जॉब हो सकती हैं, लेकिन आपकी सैलरीज लगेंगी 1800, 2000, 2200, 2500 इतनी,
लेकिन अगर आप जो चीज़ें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने अब ये सारी चीज़ें की हुई हैं, मुझे ऑफ़र्स आती हैं 10,000, 9,000, अगर मेरे पास अपना वीज़ा हो 12,000, 13,000, 14,000, यहाँ तक। जैफा भाई फ़न करो कमेंटेड, जैफा भाई क्या मैं निबोश के बाद MSc इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हल कर सकता हूँ? अच्छा, ये सेम मेरे वाला जो प्लान इन्होंने भाई ने बोला भाई, फ़ौरन निबोश के बाद नहीं है, निबोश है, निबोश के बाद लेवल 6 करें, लेवल 6 करने के बाद आप MSc इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट MSc इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हल UK इंग्लैंड से आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको लेवल 6 करना पड़ेगा। कासिम अली कमेंटेड, भाई आप मेरे पहले न्यू लिखा आ रहा था, लेकिन अब आ रहा है डाटा नॉट फाउंड। आज मैं मेडिकल सेंटर गया तो कहते हैं कि कल जाओ रिपोर्ट मिल जाएगी। इसमें कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया होगा, आप चेक कर लीजिए। तैयब रिकमेंडेड, सर इज़ देयर एनी वेबसाइट SBIC फॉर एवरीथिंग ओशा? भाई जान इसका कोई आइडिया नहीं है। वसीम अकरम कमेंटेड, हजफ भाई मैं वीज़ा लेना चाहता हूँ, क्या करूँ निबोश, क्या प्लीज़ सपोर्ट मी। अकेले निबोश का जैसे मैंने बता चुका भाई, अकेले निबोश पे कभी भी नहीं सोचिएगा कि आपको जॉब मिले, ठीक है? अगर आपको कोई रेफरेंस है, जानने वाला है कि सेफ्टी में पहले है, वो आपको इन करवा सकता है निबोश की बेस पे। धनीन कियानी कमेंटेड, अब जैसे मेरी कंपनी है, उन्होंने एक सेफ्टी मैनेजर हायर किया है, जिसकी वजह से मेरी अनबन हुई है कंपनी के साथ। ना उसका निबोश है, ना अयोश है, ना ओशा है, ना कुछ भी नहीं है, इवन पाकिस्तान से बाहर उसका जॉब का एक्सपीरियंस ही नहीं, सेफ्टी से रिलेटेड कुछ भी नहीं उसके पास। सिंध की सारी डिग्री उसको एज ए मैनेजर हायर किया है, ठीक है, उसको लाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे डर से लेकर नहीं आए। एंड उसकी वजह यह है कि जस्ट के उसके पास रेफरेंस बहुत तगड़ा है, मीन जो हमारे जो बहरल मैं अभी इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं करना चाहता। नेक्स्ट चलते हैं, तैयब विर कमेंडेड, सर प्लीज़ आप अपने कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर के सैलरी का और OT का बताएं। भाई मेरी कंपनी कोई OT नहीं देती है, तो दे जस्ट ओनली फोकस ऑन द प्रोग्रेस एंड दे डोंट वांट टू फॉलो द सेफ्टी ऑल द थिंग्स। लेटर ऑन द वीडियोज यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट। सो बट द सैलरीज आर वेरी लेस, लाइक यू कैन से 2,000, 2,200, 2,500 लाइक दिस, इतनी सैलरीज देते हैं। अली सियाल कमेंटेड, वेल डन ब्रदर, यू मस्ट हैव मोटिवेटेड मैनी पीपल्स। अरे भाई ये बड़ी पुरानी वीडियो पे आपने कमेंट किया है। स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। जिस वक्त जिस वीडियो पे आपने कमेंट किया तब मेरे पास ओनली निबोश था, अब मेरे पास तकरीबन 7-8 सर्टिफिकेट्स हैं एंड नाउ आई एम द मोर कॉम्पिटेंट अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो आप देखेंगे वाकई आप लोग और मोटिवेट होंगे जो मैं नेक्स्ट जॉब करूँगा, एंड मैं उसकी सैलरीज वगैरह हर चीज़ टू बी ऑनेस्ट बताऊँगा, आई विल नॉट हाइड एनीथिंग। इकराम खान कमेंटेड, अल्लाह आपको और आपके पेरेंट्स को सेहतमंद और हर बलास मुसीबत से बचाए। सबसे अच्छी दुआ ये लगी है भाईजान, अल्लाह ताला मेरे नहीं बल्कि सबके माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती दे और सबके माँ बाप को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, तमाम मुसलमानों को, बल्कि हमारे जो फ़लस्तीन के बहन भाई हैं, तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, तमाम के माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, तमाम की अल्लाह ताला मुश्किलात आसान फरमाए और तमाम बेरोज़गारों को अल्लाह ताला रोज़गार अता फरमाए और तमाम के दिलों में मेहर मोहब्बत और प्यार पैदा हो इंशाल्लाह मुसलमानों के। इकराम खान कमेंटेड, आउटस्टैंडिंग सर, थैंक यू। देन है रियाज शेख कमेंटेड, आई वांट टू डू आयोश कोर्स, फ्रॉम वेयर टू डू कोर्स इफ़ यू कैन सजेस्ट। अच्छा भाई, मैंने जो किया है ये कोर्स, अल्लाह आपका भला करे, मैंने किया कार्डिफ इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो देन है अच्छा माजा चाहता हूँ, मेरे जो है साथ रूममेट जो है ये भी सेफ्टी ऑफिसर हैं, शेर जमान साहब ये आ गए हैं ड्यूटी से, तो बेचारे बड़े डर के हैं, उन्हें लगा शायद मैं बाकी को वीडियो बना रहा होता तो उनको मैं मना करता हूँ बोलने से। देन कमेंट है KD ऑफिशियल कमेंटेड, रहते किधर हो भाईजन? मैं रियाज में रहता हूँ। रजक कमेंटेड, हाई सर मुझे गल्फ का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और इंडिया के 4 साल का एक्सपीरियंस है सेफ्टी फील्ड में, निबोश भी डन है और अब मुझे सऊदी में 1,600-1,300 सैलरी, या बहुत कम सैलरी है, ये तो बिजती वाली बात है। आप मज़ीद और चीज़ें उधर और कर लें, इंडिया तो मेरे ख्याल से बहुत डेवलप है, आप उधर इंडिया में कोई जॉब लें उसके साथ साथ बाकी चीज़ें पूरी करें, देन आप इधर आ जाएं। देन है नेवर फेल कमेंटेड, हाय सर मुझे गल्फ का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, और ये मतलब वो सेम ही है, उन्होंने अलग अकाउंट से फिर उन्हीं का कमेंट, फिर उन्हीं का। अच्छा एक बार कमेंट किया करें, मैं सबका रिप्लाई लाजम में करता होता हूँ, आप लोग जानते हैं। अरशद अनवर कमेंटेड, ब्रदर डज योर कंपनी ऑफर्स ओवर टाइम? बिल्कुल भी नहीं भाईजान, जान निकल जाएगी इनके, क्योंकि मर जाएंगे, ठीक है। ओवर टाइम तो मैं अगली जो वीडियोस होंगे आप मेरे से सवाल करेंगे नहीं मेरी कंपनी के बारे में। बहरहाल मैं बुरा भला इसलिए नहीं बोलना चाहता, मैंने रिस्क हलाल इनसे कमाया,
मैंने अपनी पूरी आउटपुट देने की कोशिश की है, लेकिन देन मा सलाम। ठीक है, ए बी चिल्ड्रन अकेडमी कमेंटेड, बी ए पास पर ईएमएस कर सकते हैं, डेफिनेटली भाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन के लिए आपको नहीं चाहिए होता कि आप मैट्रिक है क्या है, आपने कुछ भी नहीं किया हो, सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ए बी चिल्ड्रन अकेडमी कमेंटेड, सलाम हो, सलाम वालेकुम, दिस इज सद्दाम फ्रॉम इंडिया, कैन आई गेट सेफ्टी ऑफिसर जॉब बिहाफ ऑफ ए डी आई एस, प्लीज रिप्लाई। ए डी आई एस आई थिंक कोई इंडिया का डिप्लोमा है, बट मुझे एग्जैक्ट इसके बारे में मेरे भाई नॉलेज नहीं है। जो मुझे नॉलेज होती है वो मैं चीज़ शेयर करता हूँ, जो मुझे नहीं पता मैं बता देता हूँ। ठीक है, और ये मेरे जमान भाई आ गए हैं। जमान भाई कैसा है आपका एक्सपीरियंस जा रहा है कंपनी में? बुरा भला ना हाँ बोलना, बस अच्छा जा रहा है, बस अल्लाह खुश रखे आपको। बस बस मेरी तो जान छुट गई इसलिए मैं खुश हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला तमाम भाइयों के लिए आसानी। मैं ये चाहता हूँ कि जो फ्रेशर्स हैं वो आ सकते हैं मेरी कंपनी में आए, उनके लिए अच्छी प्लेस है। ठीक है, 2 साल एक्सपीरियंस लें देन मूव ऑन हो जाए, लेकिन पेशेंस चाहिए, ये ठंडा होना चाहिए आपका अगर मेरी कंपनी में आपने जॉब करनी। शावीर जाफरी है ये? अच्छा नहीं, ये कोई और भाई है। हिमाद्री सोनाई कमेंटेड, वन थिंग टू नो, सेफ्टी ऑफिसर शुड हैव टू वर्क अंडर सन। ये इस चीज़ का शेर जमान भाई ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे, बिकॉज ये मोस्टली साइट्स पे रहे, मैं साइट्स पे नहीं रहा, मैंने ज़्यादातर मेरा काम डॉक्यूमेंटेशन और इन चीज़ों में रहा है। जमान भाई जी एक बंदा है, उन्होंने कमेंट किया है, वो ये पूछ रहे हैं कि वन थिंग टू नो, सेफ्टी हाँ, ऑफिसर शुड हैव टू वर्क अंडर द सन। नो सेफ्टी ऑफिसर शुड नीड टू वर्क ऑन साइट बट डायरेक्ट सनलाइट इफ यू आर वर्किंग इन द समर सीजन देयर इज अ टाइम फ्रॉम 12 अप टू 3 o'clock यू शुड नीड टू टेक अ रेस्ट विद यूर एम्प्लॉयज ऑल्सो आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट यूर वर्क वंस अगेन ऑन द मीन साइट। हमें हर टाइम सूरज के नीचे नहीं रहना पड़ता हाँ ना, बस ये है कि हर टाइम सूरज के नीचे नहीं रहना पड़ता, आपको सम टाइम इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, तब तो या जाहिर सी बात है सूरज के नीचे ऑफिस होंगे। सम टाइम इन लेकिन ऑफिस। जैसे अब शदीद गर्मी आ जाती है तो उसमें 12 से 3 बजे का रेस्ट टाइम वगैरह आ जाता है, तो आप अगर आप साइड्स पे हैं तो आपका स्टैंड बाय व्हीकल भी आपके पास होती है, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप हर टाइम गाड़ी में रहते हैं, ये नहीं है कि आपने सूरज के नीचे काम करना होता है। ठीक है, तो देन है आशीष यादव, वेरी उन्होंने कमेंट किया, वेरी गुड, ये तो बंदा मुझे जुबानी याद हो गया, इंडिया का हर टाइम कमेंट करते रहते कोई ना कोई। खान कमेंटेड, सर निबोस सेफ्टी के लिए ऑनलाइन क्लासेस होते हैं? जी हाँ बिल्कुल ऑनलाइन होते हैं। अब्दुल्ला कमेंटेड, हाउ वी विल गिव एन इंटरव्यू टू योर कंपनी और एनी अदर कंपनीज ऑन ऑनलाइन बेसिस फ्रॉम पाकिस्तान। LinkedIn भाईजान लिंक, मैं एक ही चीज़ बार बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, आप लोग अगर मेरी ये चीज़ें कुछ एक आधी वीडियोज़ भी, 2-3 वीडियोज़ भी गौर से सुन लें, मैं एक ही बार बोलता हूँ भाईजान, लिंक्डइन का अच्छी प्रोफाइल बनाएं। आप लोग फेसबुक पे प्रोफाइल बना लेते हैं, वो क्या ना एक नया वो जिसपे वो बिल्लियों वाले इमोजी आती है मुंह पे, स्नैपचैट बना लेते हैं। अगर आप यही टाइम अपने लिंक्डइन को दे दें, आप यकीन माने कि मुझे बैठे बैठे जॉब्स आती हैं 3 से 4। अगर शेर जमान भाई मेरे रूममेट हैं, उनको पता है कि मैं कहाँ कहाँ इंटरव्यू दे चुका हूँ, मुझे दुबई से, दुबई में इंटरव्यू दे चुका हूँ, 2-3 जगह मैं सऊदीया में दे चुका हूँ, और हर जगह से मुझे ऑफर अच्छी है, अबव 10,000 है। ठीक है, तो आप लिंक्डइन की प्रोफाइल्स बनाएं भाई, उस पर अपने कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग करें। देन कमेंट है जी नासिर खान विद रिलैक्सेशन म्यूजिक कमेंटेड, थैंक्स फॉर गार्डिंग, थैंक यू भाई जान। ताहिर कमेंटेड, टैबलेट्स लेने के लिए रब्ता कर लें? हाँ मैंने नंबर दिया हुआ है भाई, वो मेरा दोस्त है, वो होम्योपैथी की मेडिसिन देगा, आप ले सकते हैं, आपका ALT उसमें कंट्रोल हो जाएगा। अर्शद अनवर कमेंटेड, हुजैफा भाई क्या आपने PDC का इंटरव्यू दिया था? जी भाईजान PDC का मैंने इंटरव्यू दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास किया था, और सेक की अप्रूवल भी है मेरे पास। ठीक है, सयन कुमार राठौड़ कमेंटेड, सर आई एम फ्रॉम इंडिया, सर आई एम सो अप्रिशिएटिव ऑन योर वीडियो, सर वी नीड सम हेल्प फ्रॉम योर साइड, इफ एनी व्हाट्सएप ग्रुप इज देयर बिकॉज इजी फॉर। अच्छा यार भैया, मैं इस पे वर्किंग कर रहा हूँ, स्टिल मैं थोड़ी चीज़ों से थोड़ा वो हुआ हूँ, लेकिन जैसे मैं होता हूँ तो मैं ये ग्रुप इंशाल्लाह मैं लाजम करता हूँ, मीन उसमें जॉब्स वगैरह ये वो। लेकिन यार पता क्या, मुझे ना फिर वो मैसेजेस आना बार बार, तो अपनी चीज़ें फिर वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो मैं इस पर बड़ी मुश्किल से वीडियोज़ बनाता हूँ, 1 वीक में एक बना सकता हूँ। मेला शेख कमेंटेड, सर आई एम एन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन्वायरमेंटल इंजीनियर, कैन आई गेट सेफ्टी जॉब विदाउट निबोश? भाई जब निबोश कर लेंगे तो जॉब मतलब गेन करने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। स्क्रीव कमेंटेड, आई लाइक टू अप्लाई फॉर अ सेफ्टी ऑफिसर जॉब इन सऊदी अरेबिया, वेर कैन आई अप्लाई? थैंक्स लिंक्डइन भाईजान, naukrigolf.com। मॉज वर्ल्ड कमेंटेड, आमीन चौधरी साहब, लगता है बंदा मुझे जानता है। खान बदर कमेंटेड, 10th निबोश IGC 3 HSE फील्ड में जॉब, कोई चेंज चांस है? भाईजान ट्राई ट्राई अगेन, बोलते ना बार बार कोशिश करें। इकबाल मलिक कमेंटेड, आई हैव सीन योर वीडियोज़ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश ओनली। नहीं भाईजान मेरी इंग्लिश, मैं ये कर हाँ मैंने फील्ड में बोल बोल के अपनी स्ट्रगल करके
कि अगर आप तारीफ कर रहे हैं तो अप्रिशिएटेड, ठीक है। मेहर नईम कमेंटेड, व्हेन डू यू रिजाइन फ्रॉम योर कंपनी आफ्टर द न्यू कंपनी आफ्टर लेटर और द, अच्छा भाई जान आप रिजाइन तब आप करें कि जब आपको नया ऑफर लेटर मिल जाए, देन आपका नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाता है। आप जो नया एम्प्लॉयर उनको अपना नोटिस पीरियड बता दे कि 2 महीने नोटिस पीरियड या 1 महीने, तो वो सर्व करें और रिजाइन आप दे दें। लेकिन बगैर विदाउट ऑफर लेटर रिजाइन ना दें। पता लगे आपने ऑफर लेटर लिए बगैर रिजाइन दे दिए, कंपनी बोले हमें बंदा नहीं चाहिए, आप फिर बैठे रह जाएं। मोहम्मद खान जेब कमेंटेड, सर व्हाट्सएप प्लीज भजन नहीं दे सकता प्राइवेसी। उस्मान अली सयान कमेंटेड, सर अकाउंट सेंड करें और मेल भजन। मैंने मेल सारा हर चीज़ दी हुई है, हर काफ़ी बंदों ने मुझे अप्रोच किया है, लेकिन जिन्होंने अटैचमेंट नहीं लगाई अमाउंट ट्रांसफ़र की, वो मैंने उनकी सीरीज़ वगैरह मैं उनकी ईमेल ही डिलीट कर देता था, बिकॉज मेरे पास एक तो टाइम नहीं होता, इस तरह टाइम वेस्टिंग होता। मैं एक चीज़ हर चीज़ गाइड कर चुका हूँ। इवन मैंने कुछ लोगों के लिए तो मैंने ये किया, जिनकी मैंने बनाई है तो मैंने उनको जूम का लिंक दिया, उनसे फेस टू फेस बात भी की है, ताकि उनकी चीज़ें भी क्लियर की, उनकी सीवी भी मैंने अच्छी बना दी। उसामा अली सियान कमेंटेड, सेंड ईमेल भाईजान, मैंने उसमें अटैच की हुई। मोहम्मद उस्मान, सर 1500 रुपये और 1500 सऊदी रियाल, भाईजान नहीं 1500 रुपये, 1500 सऊदी रियाल में तो आपको जॉब मिल जाएगी। मोहम्मद रिजवान कमेंटेड, अस्तगफरुल्लाह, ठीक है। अच्छा भाईजान ने कोई अच्छा कमेंट नहीं किया, सो मुझे जो इस तरह के कमेंट करते हैं मैं उनको सीधी सी बात मैं डिलीट कर देता हूँ, और मैं हम कमेंट हर पढ़ता होता हूँ, तो आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मुझे इस तरह का कमेंट करने का। सर फ्रेशर के लिए फ्रेशर क्या करें प्लीज़ कुछ बताएं। भाईजान फ्रेशर मैंने बोला है कि आपको पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, अपनी निबोश करें, आयोश करें, चीज़ें अपनी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज़ करें, ठीक है। अगले मजीद से मजीद चीज़ें करें, स्ट्रगल करते रहें, कहीं ना कहीं जॉब गेन करें, कम सैलरी में लग जाए लेकिन एक्सपीरियंस गेन करें। उमैर महमूद कमेंटेड, देर TBA में ज़्यादातर बैंड कराते हैं या पास, समझा नहीं भाई मैं आपका क्वेश्चन। तबलीगी बयानात मरकज़ जड़ावाला, हुज़ैफ़ा भाई मैंने आयोश और ओशा किया है और मैं अभी जद्दा में हूँ, मैं भी कर सकता हूँ एनवायरमेंटल सेफ्टी? डेफिनेटली भाईजान, इट्स अ सर्टिफिकेशन, एनीवन कैन डू दैट, जस्ट यू नीड टू टेक दैट एडमिशन इन द एनी इंस्टीट्यूट एंड यू कैन डू दैट ISO 14001 EMS। बाबर शहबाज कमेंटेड, निबोश के बाद बंदा डायरेक्ट लेवल 6 भी कर सकता है? डेफिनेटली भाईजान, निबोश के बाद लेवल, ये लेवल 3 है निबोश, देन लेवल 6 है। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में हमें कहा जाता है 5वीं कर ली, 6वीं कर ली, 7th, 7th, 7th स्टैंडर्ड, 8th, 9वीं, 10वीं कर ली, मतलब एफ ए कर लिया, BA कर लिया, लेकिन जो UK का स्टैंडर्ड है वो लेवल्स में है, लेवल 3 है, देन लेवल 6 है, लेवल 7 है, इस तरह। देन अगर उसके कुछ और होते हैं वो पूरे कर लेते हैं तो आप MSc के इक्वल हो जाते हैं, ये चीज़ें हैं। एंड जो लेवल 6 है, दिस इज़ द इक्वल टू इंटरनेशनल, आफ्टर दैट यू कैन, यू विल बी इंटरनेशनली ग्रेजुएट एंड देन यू कैन टेक द, यू नीड टू लेवल 6 का मेन बेनिफिट ये होता है कि आपको ग्रेड आयोज की मेम्बरशिप लेनी होती है। ओके, इश्तियाक अहमद कमेंटेड, पेड एट गाइज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इंस्टीट्यूट। भाईजान मैंने वैसे एक वीडियो लगाई, आप लोगों की मर्जी है कि आप, मुझे पाकिस्तान में वो एक सस्ता इंस्टीट्यूट मिला, बिकॉज हर बंदा मेरी तरह दुबई के इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पास QHSE इंटरनेशनल है। मैं प्रमोट करूँगा तो ऑलवेज उनको करूँगा, बिकॉज हमेशा आप चूज़ करें ब्रांड को, चूज़ करें, बिकॉज ब्रांड को चूज़ करने में क्या होता है कि आपका टाइम बचता है, आपको ट्रस्ट होता है, मेन होती है ट्रस्ट, बिकॉज आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान में सर्टिफिकेशन हर चीज़ मिल रही है भाई, सस्ते दामों में मिल रही है, नकली भी मिल रही है, वो आपकी मर्जी कि आप किधर जाना चाहते हैं, ठीक है। देन है सक्सेस माइंडेड कमेंटेड, मैं इंडिया से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन किया है और असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर की जॉब आई है, तो क्या मैं अब जॉब अप्लाई कर? डेफिनेटली भाईजान करें, अगर आप फ्रेशर हैं तो जो चांस मिलता है अवेल करें। फैसल हसन कमेंटेड, स्टॉप भाईजान, जो भी गलत कमेंट करता है मैं उसका कमेंट डिलीट कर देता हूँ, तो प्लीज़। देन है MRPUBG गोज कमेंटेड, आ हा बी केमिकल निबोश, IGC निबोश, PSM निबोश, फायर सेफ्टी फोशा 40 ईयर एज अ लीड ऑडिट सर्टिफिकेशन, ठीक है भाईजान आपके पास इतना कुछ है, आप जॉब अप्लाई करें लाजम हो जाएगी। नितेश कुमार, योर वीडियोज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग फॉर योर फील्ड, थैंक यू वेरी मच। इब्रार कमेंटेड, आई हैव निबोश 3 मंथ्स इन सऊदी अरेबिया बट आई हैव नो जॉब, टेल मी ओथम लेवल 3। और भाईजान आप मजीद चीज़ें करें ना, अकेले निबोश के लेवल पर जॉब मुश्किल है सऊदी में अब, अगर है तो कुछ छोटे कंपनीज होगी, मुसस्से होंगे, उनमें अप्लाई करें, कहीं ना कहीं हो जाएगी। नजीब अहमद कमेंटेड, आई एम इंटरव्यू ब्रदर, व्हाट इज़ नेक्स्ट प्रोसेस? मैं समझा नहीं, अगर इन्होंने मेरे पास इंटरव्यू दिया है तो मैं अपनी कंपनी में आने के लिए किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, एंड स्पेशली जो है बायोटेक इस्लामाबाद में है, उनसे बच के रहें, ठीक है। उनके पास ही मेरी कंपनी वीज़ा भेजती है, तो वो जो भी बोलेंगे मिसगाइड करेंगे। प्लीज़ मज़ीद आगे जो वीडियोज़ हैं आप लोगों के पास आती रहेंगी यार, विद एविडेंस में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो
इत्तेशाम अली कमेंटेड, इन्वायरमेंट सेफ्टी ऑफिसर की फ्रेशर पे जॉब हो जाती है क्या डायरेक्ट पाकिस्तान? जी भाईजान, डेफिनेटली हो जाती है, मैंने एग्जांपल भी दी हैं। वकार अहमद कमेंटेड, ग्रेट वर्क फॉर सो फॉर, लेट्स अप व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऐड डेडिकेटेड प्रोफेशन द फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा यही वर्क है, बस मैं थोड़ी मुसीबतों में घिरा हुआ हूँ। मैं तकरीबन 3-2 महीने हो गए मैं बैठा हुआ हूँ एंड बहुत सारी मुसीबतों में से हूँ। बस मेरे पास ये है कि आपको पता कि फैमिली है और बैठ के खाना बहुत मुश्किल है एंड उल्टा पैसों के नीचे दबता जा रहा हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मेरे अपने मतलब मेरे मेरे सर पे एक हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई नज़र लगे। मेरे एक बहुत प्यारा रिश्ता है जिनको मैं हमेशा सबसे ज़्यादा प्यार करता था, जिनके साथ मैं आपको मोस्टली वीडियोज़ भी लगाता था, तो वो भी मेरा प्यार ही था, तो वो भी अल्लाह ताला की ज़ात के बाद फजलो करम से उनका मेरे पे हाथ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है। देन है जी आमिर खान कमेंटेड, आई एम इन यूएई ऑन विजिट वीज़ा, डिड बीएस इन इन कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़ एंड बट आई हैव डन नेपोश यूके सर्टिफिकेशन बट आई हैव नो एक्सपीरियंस। भाई जान किसी भी तरह कम सैलरी पे लगे एक्सपीरियंस गेन करें। सिग्मा कमेंटेड, यार ब्रो सब बोल रहे हैं कि जो न्यू बंदा निपोश करता है उससे ही जॉब नहीं देते, पहले एक्सपीरियंस मांगते हैं। भाई जान जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस तो लाजम मांगेंगे, तो एक्सपीरियंस गेन करें कहीं कम सैलरी पे लग जाए कहीं ना कहीं। पाकिस्तान में कितनी अब हायर में जॉब आई हुई हायर कंपनी है, मेरे पास भी उनका आया हुआ था 1.5 लाख सैलरी दे रहे हैं, बस बिकॉज मेरे पास तो एक्सपीरियंस है लेकिन मेरी डिमांड उनके पास अबव 2 महीने उनके से डिमांड की थी, तो बहरहाल वो एफिट जो है अच्छा दे रहे हैं, आपको गाड़ी दे रहे हैं एंड मेरे ख्याल से वो घर लाहौर में घर वगैरह भी दे रहे हैं। तो आप लोग अप्लाई अगर फ्रेश है तो अप्लाई करके देखें, ठीक है। एंड मिर्ज़ा हफीज़ कमेंटेड, शॉर्टकट रिस्क असेसमेंट स्किल फुल एग्जामिनेशन ऑफ वर्क टू साइट। अच्छा जुबैर दुनिया कमेंटेड, आपके चीज़ में अच्छी जहन आई थी, पता नहीं अब क्या बोला है। सर कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट फर्स्ट एड सर्टिफिकेशन रिलेटेड बाई एच एस सर्टिफिकेशन? जी डेफिनेटली फर्स्ट एड एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए सर्टिफिकेशन लाजम है। मैंने इसलिए की थी कि कंपनी को मेरे पे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो मैं जल्दी हायर्ड हो जाऊँ, इसलिए मैंने फर्स्ट एड और फायर सेफ्टी ओशा आयोश निबोश ये चीज़ें की थी। लेकिन अब मेरे पास अब इतनी मजीद माशाल्लाह से ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिसपे मेरी वर्थ जो है ज़्यादा है। अब नाउ आई एम गोइंग टू फोकस ऑन अल्लाह आपका भला करे, या मैं NVQ लेवल 6 करूंगा या मैं ओथम लेवल 6 करूंगा ग्रेडुएशन की मेंबरशिप, देन मैं जाऊंगा PMP की तरफ। सादिया महमूद कमेंटेड, व्हाट मेरे चीज में एक जहन आई है, आई वाज लॉस एट द मोमेंट। अल वजीर कमेंटेड, प्लीज हाईएस्ट सैलरी इन सेफ्टी फील्ड। भाई जान हाईएस्ट सैलरी जो है मेरे जो मतलब जिनके वजह से मैं इंप्रेस हूँ, दुबई में थे एंड वो एक रिजॉर्ट था, मतलब होटल भी है रिजॉर्ट भी है, वहाँ पे वो एक बंदा सैलरी ले रहा है 54,000 दिरहम सैलरी ले रहा है। सो ही इज़ एन HSE मैनेजर, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सेफ्टी में आप लोग कहना कि एक छोटी चीज़ है, मैं पहले समझता था निबोश में और चीज़ें, आप इसमें अपने आप को मैं कहता हूँ कि आप MSC तक जाएँ, बहुत सैलरीज हैं, आप पे डिपेंड करता है। अब मैंने जो MSC का UK से सोचा वो मुझे पता है कि मैंने जाना स्कॉलरशिप पे ही है, मेरा इजीली हो भी जाएगा, बट ये कि मैं अपने आप को 4 साल और मज़ीद टाइम दे रहा हूँ कि GCC में मैं करूँगा, देन हम उसकी तरफ मज़ीद आगे जाएंगे। तो आप जब आपके पास लेबल लग के आ जाता है ना, तब वो भी आप पे जो है डिपेंड करता है। आप अपने जितना आप गोल्ड है ना, गोल्ड की अपनी कीमत है, डायमंड की अपनी कीमत है, जितने मतलब आप अपने वो होंगे ना, मतलब जितनी कॉम्पिटेंसी होगी आपकी उतनी कीमत होगी। देन असिम सत्ती कमेंटेड, आर यू फ्राइड फ्रॉम जॉब, व्हाट हैपेंड? नहीं भाई जान अल्हम्दुलिल्लाह मैं फायर्ड नहीं हुआ, मैंने खुद रिज़ाइन दिया है। वो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आप लोगों से सारा जो है ना मैंने सेशन अभी रखे हैं, बिकॉज अभी मेरा लेबर कोर्ट में केस चल रहा है, सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। संजय कमेंटेड, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर निबोश IGC? बड़ी मेहनत की थी, पहली बार फेल हो गया था भाई जान, सीधी सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने कोई मेल प्रैक्टिस नहीं की, मेरा सेम नेम सर्टिफिकेट नहीं है एंड मैंने अपने जो है क्या नाम है लिंक्डइन की प्रोफाइल पर लगाया हुआ, कोई भी मेरा उस पर चेक करके वेरीफाई करवा सकता है, ठीक है। और मैंने पैसे देके पेपर्स नहीं दिए, मैं पहली बार फेल हो गया था, दूसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह फाइल जो है से पास हो गया था एंड मैंने जस्ट 49 नंबर्स लिए थे, 4 नंबर से ही पास हुआ था, ज़्यादा लेके, तो इतना को मैं जहीन बंदा नहीं था, ठीक है। चौधरी जैन कमेंटेड, गुड विलिंग मे गुड ग्रांट यू कंटिन्यूड सक्सेस इन ऑल एप्स, थैंक यू वेरी मच ब्रदर, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। नेचर कमेंटेड, गुड इनिशिएटिव बट काइंडली डू समथिंग फॉर फ्रेशर्स आल्सो, वुड यू मेक CV फॉर फ्रेशर्स?
भाईजान मैंने फ्रेशर्स के लिए ही बोला है कि आप लोग मुझे अपनी भेजें, मैंने उसकी एक अमाउंट मुख्तस की, उसमें ये कि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी बिकॉज मेरी एक बैक फैमिली है, ठीक है, तो उस पर मैं आपको एक अच्छी सी वी बना के दे दूंगा। लेकिन उसकी मैंने एक शर्त रखी कि मैं आपको जूम का लिंक भी भेजूंगा और आपकी मेरी बातचीत हो जाएगी, और लेकिन ये कि आप मुझे वो इसका एक ई मेल करेंगे बार बार ई मेल। एक प्रोफेशनल बंदे की ये होती है कि वो बार बार ई मेल नहीं करता। सेफ्टी में भी कहा जाता है कि एक ही साइन में टोटल इन्फॉर्मेशन आप दे दें, ठीक है। माजिद के साथ कमेंटेड राइटिंग फॉर द पार्टिकुलर वीडियोज जिसमें आपने गाइड करी कैसे जॉब ही हुई, फिर प्रमोशन हुई, फिर डिमोशन और अब कंपनी छोड़ दी, क्या इश्यू बने, किसने बनाया और हमें कैसे। भाईजान मेरी जो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी इंशाल्लाह मैं उन पे लगाऊंगा, लेकिन पहले मैंने अपनी यहाँ से मूव ऑन करना है, सो देन वी विल डिस्कस ऑन इट। बिकॉज अभी लगाऊंगा तो फिर अभी ये जस्ट जाएगा कि मैंने अभी कंपनी छोड़ दी, इसलिए मैं कंपनी को बुरा भला बोल रहा हूँ, तो मैं होल सिनेरियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सर प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग दैट कि कंपनी आपको पहले 3 महीने सैलरी नहीं देती, जस्ट फूड के लिए कुछ पैसे देती है। नहीं भाईजान, जब आप ज्वाइनिंग दे देती मेरी कंपनी ने तो पैसे दिए थे। टू बी नेस्ट मैं बात करूँ कि मैंने कंपनी छोड़ दी, मसले मसाल बने, लेकिन मेरी कंपनी ने मुझे 1.5 महीना बैठा के रखा, जैसे प्रोजेक्ट शुरू हुआ है मेरी ज्वाइनिंग ली है, ज्वाइनिंग पे उन्होंने दिया 1 महीना मुझे उन्होंने बैठाया क्योंकि प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ था। सर प्लीज़ करेक्ट मी इफ सेम कमेंट ट्रू वे, जब चार्ज करेंगे तो हेल्प ना बोलिए, ठीक है भाईजान माजरा। एक्सप्लोर वर्ल्ड विद हुज़ैफ़ा, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, जो मेरी ये हालत जो कंडीशन समझ रहे हैं। सर प्लीज़ करेक्ट मी इफ रॉन्ग दैट कंपनी आपको पहले 3 महीने, जी भाईजान मैं इसका रिप्लाई कर चुका हूँ। देन है उमर खान कमेंटेड, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मिफ्ताउद्दीन कमेंटेड, ब्रदर हुज़ैफ़ा आपने जॉब क्यों छोड़ दी, ये इंशाल्लाह आप लोगों के पास नेक्स्ट जो है वीडियोज़ में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ग्लादी कमेंटेड, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, नो ब्रदर आप ट्राई करते रहें, कम सैलरी में लगे आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो मेरे पास भी एक वक्त था एक्सपीरियंस नहीं था। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी वर्क कमेंटेड, सर अस्सलाम वालेकुम, मैं इंडिया से हूँ, कैन यू हेल्प मी इन सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट्स हैं तो प्लीज़ हेल्प मी सर, आई हैव डन निगोशिएशन। भाईजान दुआ करें मेरी जहाँ पर नेक्स्ट जॉब हो तो अगर वहाँ जो भी हुई मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाऊँगा। तो अब के लिए इतना ही काफ़ी है बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानेला, अल्लाह हाफिज़।